हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन शनिवार, सैटरडे है आज, तो यहाँ बन रहा है कुछ स्पेशल नाश्ता। तो इसके लिए ली है मैंने सेवैयाँ, मटर और आलू को चॉप कर लिया छोटा छोटा, प्याज टमाटर करी पत्ता हरा धनिया हरा मिर्चा सब कुछ ले लिया है। और उसके बाद जो सेवई है इनको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ ब्राउन होने तक। और ये वाली सेवई मार्केट में बहुत ही इजली मिल जाती हैं, तो आज इन्हीं का नाश्ता मैं बना रही हूँ, क्योंकि मीठे से ये वाली बहुत टेस्टी लगती हैं। और इस तरीके से बना के खाते हैं तो बहुत ही सारे नूडल्स भूल जाते हैं इसके सामने। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। तो जब सेवई भून गई है तो मैंने घी गरम किया है, उसमें डाला है जीरा करी पत्ता और ये अदरक पिसा हुआ, सॉरी जो अदरक है उसको पीस के डाला है मैंने। उसके बाद जब ये सब भुन गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है चॉप किया हुआ प्याज, उसके बाद हरी मिर्च, हरी मिर्च में लाल मिर्च भी हो गई है, थोड़ा दिन की रखी हो गई है। उसके बाद जब ये सब भुन गए हैं, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, तब मैंने इसमें डाल दिए सारे सूखे मसाले, पिसा हुआ धनिया मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे मसाले डाले हैं। फिर डाल दिया है टमाटर, टमाटर जैसे ही थोड़ा सा नरम हो गया है तो मैंने डाला है आलू। और आलू मैंने बहुत छोटा छोटा चॉपर से चॉप किया है, क्योंकि ना मुझे अगर टुकड़े टुकड़े किसी इस तरीके के आइटम में सेवई में या किसी में मिलते हैं तो मैं उनको निकाल देती हूँ, और ऐसा आलू एकदम मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा चॉप किया है। उसके बाद मटर डाला है, मटर को फ्राई करके थोड़ा सा पानी और नमक डाल के ढक दिया था मैंने। जैसे ही 2-3 मिनट बाद 4 मिनट बाद ये सारी सब्जियाँ अच्छे से गल गई हैं, मैंने इसमें डाल दी है भुनी हुई सेवई। और सेवई को ऐसा ही ब्राउन भूनना है, क्योंकि ये वाइट वाइट से कलर में थी और डार्क ब्राउन हो गई हैं, यानी कि अच्छे से भुन गई हैं। और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे एक कटोरी सेवई ली थी तो 2 कटोरी भर के इसमें पानी डाल दिया है। और उसके बाद बस इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। अब ये 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, एकदम रेडी हो गई हैं सेवैयाँ, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें करी पत्ते की, मसालों की। और अगर सही मात्रा में सेवैयाँ बनाने में पानी और सेवैयों का अनुपात सही लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती हैं सेवैयाँ। और मैं अभी प्लेट में भी निकाल दे रही हूँ सबके लिए नाश्ता, क्योंकि मैंने भी नहा लिया है। सारे काम फिनिश करने के बाद ही मैं वीकेंड पे नाश्ता तैयार करती हूँ, ताकि मैं भी सबके साथ में खा सकूँ, वरना मुझे दोपहर हो जाता है, खाने का टाइम आ जाता है, फिर मैं कहीं जाके नाश्ता करती हूँ। तो सुबह के काम हो गए हैं, ये तैयार हुई है सेवैया, एक बार आप लोग भी टेस्ट करके देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही है गर्मा गर्म। नाश्ते के तुरंत बाद ही मैं खाने की तैयारी में भी लग गई, क्योंकि बाहर भी जाना है, क्योंकि वीकेंड में सारी औरतों के पास बहुत काम होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ना वीकेंड पे रेस्ट का दिन होता है, लेकिन मैं उस दिन और जल्दी सुबह काम चालू कर देती हूँ, ताकि मुझे जो बाहर वाले काम है उनके लिए भी टाइम मिल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे खाने के लिए मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च की रेसिपी भी शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके की शिमला मिर्च बहुत पसंद है जो ऐसे बनाई जाती है, क्योंकि भरवा वाली मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मतलब भरवा वाली शिमला मिर्च को ना आप कितना भी फ्राई कर लो, लेकिन उसका जो अंदर वाला आलू तो अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर वाली शिमला मिर्च मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज वगैरह से छौंक लगा के, और फिर आलू डालती हूँ उसमें। आलू के बाद सारे सूखे मसाले वैसे ही जैसे बाकी सब्जियों में डालते हैं, धनिया मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला ये सब। और उसके बाद में टमाटर को नरम करने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। और जब ये अच्छे से पक गई हैं सब्जियाँ तो इसमें डाल देंगे अब शिमला मिर्च कटी हुई, और बस इनको पका लेंगे शिमला मिर्च को, इसमें पानी नहीं डालेंगे, नमक डाल के बस बंद कर देंगे, सब्जी बनके हो जाएगी रेडी। तो ये है शनिवार का लंच, दाल चावल रोटी शिमला मिर्च सब खाया दबा के। अभी बजे हैं शाम के 7:15 और हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ सामान है लाने। अब भाई बाद में कर लेना बात बात, तेरे को निकल लेट हो गई है पहले से, भागल कोई शीशा ईशा नहीं देखता है उल्टी। हफ्ते के 2 दिन ये ऐसे होते हैं शनिवार और रविवार, जिस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ अपनी घर की खरीदारी के लिए, सजावट के लिए या कुछ वैसे कामों के लिए, क्योंकि इनको आराम से ले जा सकती हूँ मैं दूर।
सबसे पहले मैं आई हूँ इस मॉल में क्योंकि यहाँ कुछ ऑफ भी चल रहा है और यहाँ पे किड्स वियर, लेडीज, जेंट्स सबका कलेक्शन है। और हमारे आयान के पास में वैसे भी कपड़े नहीं हैं अच्छे, तो उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बड़ा कलेक्शन है तो ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से हमने काफ़ी कुछ सेलेक्ट कर लिया जो लेना था, इनसे लड़ झगड़ के बिल भी हो गया। और ये स्वीट इंडिया नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ से ली है मैंने राज कचौड़ी जो बहुत ही फेमस है इस रेस्टोरेंट। कैसा सही है ठीक है तो आप लोग भी खा लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें कचौड़ी में कुछ दही, सेव पूरी, आलू ये सब भर के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो स्वीट इंडिया राजस्थानी शॉप है, इसकी 2-3 ब्रांच है यहाँ पे, तो ये सारे खाने वहीं मिलते हैं। और रात में खाने वाने के बाद ये सुबह मेरा फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं बेड से उठी हूँ, अपना बेड संभाला है मैंने, उसके बाद पी रही हूँ गर्म पानी। तो ये मुझसे बोल रहे थे टेडी बियर को ऐसा उल्टा मुंह करके क्यों रखा है, जैसे वो झगड़ के बैठा हो, इस तरफ खुद बैठी हो उसको उस तरफ बैठा रखा है। तो आज छुट्टी है इनकी भी, तो ये भी आराम से फ्री है। और पानी पीने के बाद गर्म, मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। उसके बाद ये देखिए ये चने खा रहे हैं, चने और किशमिश, जो कि मैंने रात में गला के सुबह देती हूँ। और ये अपने एक्सरसाइज के बाद साथ में ये ज़रूर खाते हैं। और ये अपने घोड़े पे बैठे हुए घोड़ा राइड कर रहे हैं। और ये लाए हैं ये सब्जियाँ, और दही भी मंगाया है मैंने क्योंकि घर वाला दही ख़त्म हो गया था, तो ये लाए हैं विशाखा डेयरी का दही। आलू, अदरक, धनिया, दूध, और आलू बहुत गंदे आ रहे हैं, दूध के पैकेट भी गंदे हो गए हैं आलू के साथ में। आलू तो सब जगह गंदे आते हैं, लेकिन यहाँ पे अदरक में भी बहुत मिट्टी लगी हुई आती है, तो एक ही झोले में ले आए हैं इसलिए मैं इनको साफ कर ले रही हूँ। दही, दूध सब गंदा हो गया है। और 2 पैकेट ही मंगाए हैं मैंने, अभी तक 4 पैकेट मंगाती थी लेकिन आज 2 की ज़रूरत है। और आलूओं में पानी भर दिया है ताकि ये साफ़ हो जाए। ये देखिए जयमाला डाले हुए बैठे हैं गले में, जो ये टब था पोछे का उसका जो ये रिंग जैसी लगी हुई थी इसमें, उसको निकाल के अपने गले में पहन लिया है। और इसको इसलिए मैं चेयर में बैठाती हूँ पोछे के टाइम में, और तुरंत अभी जा रही हूँ इसको नहलाने। उसको नहलाया है, खुद नहाया है। आज मैंने अपने पूजा के बर्तन नींबू और सर्फ से रगड़ के साफ किए हैं, तो कितने साफ निकले हैं ना, एकदम चमाचम हो गए हैं। और पूजा के बर्तन साफ करने के लिए मैं इसमें रखती हूँ जूना और सरफ, अलग रहता है, और बाकी बर्तनों का अलग रहता है। और आज मैंने ये बहुत पुराना सूट पहना है अपना, प्रेगनेंसी के टाइम का, उस टाइम मैं ऐसी लूज सूट पहनती थी। तो सुबह वाले मेरे सारे काम निपट गए हैं, आयान भी नहा लिया, मैं भी नहा ली, इसके कपड़े वपड़े सब साफ हो गए हैं। और अभी इनको ऑफिस भी जाना है, वैसे तो संडे है लेकिन हाँ 3-4 घंटे किसी 3 घंटे के लिए किसी काम से जाना है, ऑफिस का ही काम है। और वीकेंड पे कभी ना कभी 2-3 घंटे के लिए जाना ही जाना पड़ता है इनको, कुछ ना कुछ काम रहता है। तो अभी इनके लिए नाश्ते के लिए मैंने बना दिया था चूड़ा मटर, जो पिछली बार आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये देखिए ये भी नहा धो के आगे आगे भाग रहे हैं, तभी जल्दी जल्दी नहाया था कि मुझे भी लेके चलेंगे। इसको यही कह के नहलाते तैयार करते हैं कि पापा के संग जाओगे ना घूमने, जल्दी तैयार हो जाओ। तो ये गए हैं ऑफिस। अभी गई थी बगल में, भाभी रहती है उनके पास में, कि नंदनी की ड्रेस फिटिंग करानी थी, लूज हो रही थी, तो मैंने कहा एक्सचेंज कराने से अच्छा है कि इनको फिटिंग करा लो, फिर टाइम लगेगा आने में, इतना टाइम है नहीं। तो उनको जाना है हैदराबाद, इसलिए वो नहीं कर पाएंगी, कल ही निकलना है उन्हें। तो फिर अब मैं जाऊंगी टेलर के पास, वहां पे जाके करा देंगे, थोड़ा सा जल्दी करानी है क्योंकि। और मैंने ना एक बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज मंगवाई है आप लोगों के, ये क्या है ज्यादा बोली तो कैची से थोड़ी ना काटते हैं, कैची से कट जाए और बोलूंगी, टेप लगाना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों के कहने पे एक बहुत ही अच्छी चीज मंगवाई है अपने बेडरूम के लिए। आप लोग कह रहे थे दीदी मंगवा लीजिए, दीदी मंगवा लीजिए, जैसी आप लोगों ने कही थी मैंने सेम वैसी ही मंगवाई है आप लोगों के कहने पे, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कैसा लूँ क्या लूँ। तो बहुत सारे आइडिया जो मुझे आप लोगों से मिल जाते हैं वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
अब चलिए सारे कामों से फ्री होके आराम से अपने बेडरूम को तसल्ली से संवार लेते हैं। और ये वाली बेडशीट वैसे तो अच्छी है लेकिन लाइट कलर की है और दो दिन से ज़्यादा नहीं चलती है, दो दिन में ही गंदी हो जाती है। बच्चों के साथ तो एक दिन में ही उसका काम तमाम हो जाता है। तो ये वाली बेडशीट मैंने अभी मंगाई है डार्क कलर की, मार्केट में बहुत देखी, मुझे नहीं मिल रही थी, सारी लाइट कलर की मिल रही थी। और आप लोगों ने सजेशन दिया था कि आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है फ्लिपकार्ट से। और ये पड़ी है मुझे 700 रुपये की, हाँ ऐसी कुछ पड़ी है, अयान के पापा को कंफर्म मालूम होगा। और बड़ी बहुत है साइज में, ये देखिए काफ़ी बड़ी है साइज में, यहाँ तक आ रही है। और इस बेडशीट से बेड का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप लोगों ने बहुत सही सजेशन दिया था, सजेशन के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। कि एक डार्क कलर की बेडशीट बिछाओ तो बहुत अच्छा लुक आएगा। आयान सो रहा है पीछे इसलिए बाहर ही बोली मैं तेज़ी से। तो ये वाली चुनरी मैं कल लेके आई हूँ, 250 रुपये की मिली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कल का सामान दिखाया नहीं मैंने क्या लेके आई थी, मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। ये एक चीज़ और, मेरी बेडशीट कैसी लगी वो बताना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम बैठते थे ढूंढने के लिए, ऑनलाइन भी तो हमें इतनी जल्दी मिलती नहीं थी, कोई पसंद नहीं आती थी, इनको आ जाती थी तो मुझे नहीं आती थी, मुझे आती थी तो इनको नहीं आती थी। फाइनली ये ब्लू कलर की हम दोनों को ही पसंद आ गई थी तो इसलिए हमने इसको मंगवा लिया। और मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आ जाएगी, क्योंकि मुझे आप लोगों की पसंद का भी पूरा ध्यान रखना था। तो ये जो भी बताते थे मैं कैंसिल कर देती थी, मैं बताती थी तो ये कैंसिल कर देते थे, फाइनली ये पसंद आ गई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ अपने नए अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।